अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीम का ख़ानदान। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जीम का ख़ानदान। जीम का ख़ानदान में चार भाई होते हैं। अब मैं आपको इन चार भाइयों की एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी। एक दिन ये चार भाई दरिया के किनारे जाते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। चारों भाई में एक रेस स्टार्ट हो जाती है कि सबसे पहले कौन सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेगा। पहले भाई को सिर्फ एक ही मछली मिलती है और वो उसे जल्दी से अपनी जेब में रख लेता है। दूसरे भाई को तीन मछलियाँ मिलती हैं, वो भी अपनी तीनों मछलियों को जल्दी से जेब में रख लेता है। तीसरे भाई को एक भी मछली नहीं मिलती और वो बहुत उदास हो जाता है कि मुझे तो एक भी मछली नहीं मिली। और जो सबसे आखिरी भाई होता है, उसे एक मछली मिलती है। जब वो उसे जेब में रखने जाता है तो उसकी जेब फटी हुई होती है। तो वो क्या करता है, अपनी मछली को अपने सर पे रख लेता है, क्योंकि जेब तो फटी हुई थी ना उसकी। इसी तरीके से तो ये क्या बने, जीम चे हे खेर। चलिए मेरे साथ दोबारा पढ़िए आप सब, जीम चे हे खे। ये है जीम का ख़ानदान। अब हम देखेंगे कि जीम के ख़ानदान को हम अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे। तो ये बनाया हमने जीम, जिसका पेट लाइन से क्या होता है, नीचे। और हमने देखा था ना कि जीम ने कितनी मछलियाँ पकड़ी थी, एक। तो उसके पेट में कितने नुक्ते होते हैं, एक नुक्ता। जीम के पेट में एक नुक्ता। तो जीम का दूसरा भाई कौन था, चे। और चे के पेट में कितने नुक्ते थे, चे ने कितनी मछलियाँ पकड़ी थी, तीन मछलियाँ। वेरी गुड। और तीसरे भाई ने कितनी मछलियाँ पकड़ी थी, एक भी नहीं। तो इसलिए ये क्या है, हमारा हे क्या होता है, खाली। हे खाली। तो चौथे भाई ने कितनी मछलियाँ पकड़ी थी, एक। और उसने कहाँ रखी थी, सर पे। तो जे खे के ऊपर एक नुक्ता। वेरी गुड। चलिए एक बार मेरे साथ दोबारा पढ़िए, जीम के पेट में एक नुक्ता, चे के पेट में तीन नुक्ते, हे खाली, खे के ऊपर एक नुक्ता। अब मैं आपको होमवर्क की वर्कशीट दूंगी, जो आप अपने घर में मुकम्मल करेंगे और जीम के ख़ानदान को याद करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।